चलिए जी, सो फर्स्ट इज फिनाइल कीटोन्यूरिया, फिनाइल कीटोन्यूरिया. इट इज, जैसे मैंने कहा है, इट इज ऑटोसोमल रिसेसिव इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म, इनबॉर्न जेनेटिक एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म. एंड द डिजीज विल अकर टू द ऑफस्प्रिंग इफ बोथ पेरेंट्स आर एटलीस्ट कैरियर्स. नेक्स्ट पॉइंट है, द डिजीज्ड पर्सन लैक्स एन एंजाइम, द डिजीज्ड पर्सन लैक्स एन एंजाइम फिनाइल एलेनिन फिनाइल एलेनिन ऑक्सीडेज. ड्यू टू विच फिनाइल एलेनिन इज, ड्यू टू विच द फिनाइल एलेनिन, यहाँ पे ऑक्सीडेज ने फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सीलेज कर, आई एम सॉरी, फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सीलेज, ड्यू टू विच फिनाइल एलेनिन इज नॉट कन्वर्टेड, ड्यू टू विच फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सीलेज को अंडरलाइन कर लेना, ड्यू टू विच फिनाइल एलेनिन is not converted into tyrosine. दोनों ही अमीनो एसिड्स है, फिनाइल एलेनिन भी और टायरोसिन. नेक्स्ट पॉइंट आ जाइए, इसका रिजल्ट क्या होगा? ड्यू टू दिस फिनाइल एलेनिन गेट्स एक्यूमुलेटेड, है ना? फिनाइल एलेनिन जब कन्वर्ट ही नहीं हुआ तो किस इकट्ठा हो गया, टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं हुआ, फिनाइल एलेनिन गेट्स एक्यूमुलेटेड एंड इज कन्वर्टेड इनटू फिनाइल पायरुविक एसिड, फिनाइल पायरुविक एसिड एंड अदर डेरिवेटिव, इसी तरह के कोई अबनॉर्मल कंपाउंड्स, फिनाइल पायरुविक एसिड एंड अदर डेरिवेटिव. नेक्स्ट पॉइंट है, फिनाइल पायरुविक एसिड गेट एक्यूमुलेटेड इन ब्रेन, फिनाइल पायरुविक एसिड गेट्स एक्यूमुलेटेड इन ब्रेन एंड स्टार्ट्स अफेक्टिंग नर्वस टिश्यू, स्टार्ट्स अफेक्टिंग नर्वस टिश्यू, कॉजिंग मेंटल रिटार्डेशन, कॉजिंग मेंटल रिटार्डेशन. सेकेंड है, नेक्स्ट, मतलब इसी में ही सेकेंड आ जाइए, सिम्टम्स में ही हम बी पार्ट आ जाइए, कि अगर
टायरोसिन नहीं बना तो टायरोसिन ही मेलेनिन बनाता है, और अगर टायरोसिन नहीं बनता तो मेलेनिन भी नहीं बनेगा। बी पॉइंट कीजिए, द स्किन पिगमेंट मेलेनिन, द स्किन पिगमेंट मेलेनिन इज डिराइव्ड फ्रॉम अमीनो एसिड टायरोसिन। Is derived from amino acid tyrosine. Full stop करते। If phenylalanine is not converted into tyrosine, if phenylalanine is not converted into tyrosine, comma, no melanin is formed. No or less melanin, क्योंकि कुछ ना कुछ तो टायरोसिन चलो हमारी बॉडी में होगा ही ना। No or less melanin is formed. Thus, less pigmentation in skin and hair, which may lead to eczema. Melanin ना हो तो eczema, E-C-Z-E-M-A. ठीक है जी, next point आ जाता, मतलब इसमें नहीं वैसे ही next point. Phenyl pyruvic acid is also excreted in urine. Because it is not reabsorbed by kidneys. Thus, phenylketonuria can be simply detected by blood test or urine test. Thus, phenylketonuria can be diagnosed by blood test or urine test of neonates. Neonates means newborns. क्योंकि inborn error है ना, inherited error, right? This is phenylketonuria. Next आ जाता है बेटा cystic fibrosis. Next is cystic fibrosis. Autosomal recessive disorder, recessive disorder, ठीक है जी, सेकेंड पॉइंट लिखिए। In this disorder, there is formation of a defective glycoprotein. Defective glycoprotein which causes thickening of mucus and sweat in skin, और mucus कहां पे होता है, lungs में, है ना, comma करके lungs,
liver, pancreas, etc. Next point hai, production of thick mucus in the respiratory system. Blocks bronchi and bronchioles. But mucus कब produce होता है? जब infection होती है जब, है ना? Full stop करके, thus respiratory infections. May cause production of more amount of thick mucus. More amount of respiratory infections may result in production of more amount of thick mucus that may damage lungs. ठीक है जी, सो दिस इज अबाउट सिस्टिक फिब्रोसिस. नेक्स्ट आ जाता है बेटा मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी. मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी, इट इज ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर. ऑटोसोमल dominant disorder. Second point आ जाइए, symptoms. Increased muscular irritability, है ना? मतलब लोग जो है ना ऐसे ऐसे करते रहते हैं, कुछ ना कुछ हरकतें जी जो है ना, increased muscular irritability and contractibility. हिलते रहते हैं मतलब. Contractibility with decreased relaxation. थक भी जाते हैं. With decreased relaxation. Which results in muscular atrophy. Atrophy मतलब degeneration. Which results in muscular atrophy. Especially of face and neck. ठीक है जी, so this is muscular dystrophy. Next हम आ जाते हैं बेटा sex linked disorders. Next is, लिखो topic लिखो, हाँ नहीं इसके बारे में फिर हम लिखेंगे. Sex linked disorders. फर्स्ट हम आ जाते हैं बेटा हीमोफीलिया. हीमोफीलिया में क्या है बच्चे, पहले ये समझें फिर मैं लिखा. आपको पता है कि ब्लड क्लॉटिंग रिक्वायर्स यू नो 13 क्लॉटिंग फैक्टर्स.
Another is blood clotting is a cascade process. कैस्केड का मतलब होता है एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा. कैस्केड हम जनरली आर्मी में कहते हैं कि पहला चला फिर दूसरा चला फिर तीसरा चला. तो इस तरह यहाँ पे 13 क्लॉटिंग फैक्टर्स, एक का इफेक्ट दूसरे का इफेक्ट तीसरे का, इस तरह कैस्केड प्रोसेस. ठीक है. इफ एनी ऑफ द फैक्टर इज नॉट present, then no blood clotting at injured blood vessels. जरूरी नहीं कि बाहर ही हमें चोट लगती है, हमारी बॉडी में अंदर कई जगह डिजेनरेशन मतलब इंजरीज हो रही है, बट वहां पे फिर ब्लड की क्लॉटिंग भी साथ. ठीक है, मतलब वहां पे ब्लड क्लॉट कर जाता है वो इंजरी हील हो जाता है. ठीक है, नहीं तो लीकेज हो जाए ब्लड की तो प्रॉब्लम हो जाएगी इंटरनल लीकेज. हीमोफीलिया और ब्लीडर्स डिजीज इज कॉज due to non-formation of a ya 9 ya 11 factor in tino mein se koi sa factor hai nahi due to which clotting of blood at injured blood vessel takes much longer. It is caused due to gene mutation on X chromosome. X chromosome is a sex chromosome. Thus it is called as sex. अब यहाँ पे another I have told you that it is a recessive disorder. Therefore, female will be affected if genes on both of X chromosomes get